और अब खबर झालावाड़ से, जहां भवानी मंडी नगर में सिख सभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रामलाल गुर्जर पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पूर्व चेयरमैन गंभीर रूप से घायल हो गए और इस हमले से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने रामलाल गुर्जर को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से उनको कोटा के लिए रेफर किया गया और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुट चुकी है। अज्ञात हमलावरों ने पूर्व पालिका अध्यक्ष पर गोलियां दाग दी और इससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस पूरे मामले की अब गहनता से जांच कर रही है पुलिस और यह फायरिंग भवानी मंडी में हुई। अज्ञात हमलावरों ने पूर्व पालिका अध्यक्ष पर फायरिंग कर दी और वहां से फरार हो निकले। इस हमले में पूर्व पालिका अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले की अब जांच शुरू कर दी है। ये घटना झालावाड़ में हुई, जहां भवानी मंडी में पूर्व पालिका अध्यक्ष पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद हमलावर वहां से फरार हो निकले। इस घटना में आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। अज्ञात हमलावरों ने पूर्व पालिका अध्यक्ष पर गोलियां दागी और उसके बाद वहां से फरार हो निकले। इस घटना से पूर्व पालिका अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें वक्त रहते चिकित्सालय पहुंचाया और उसके बाद गंभीर घायल होने पर कोटा के लिए रेफर किया गया। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए एमके शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। क्या था ये पूरा मामला? देखिए, बीती रात्रि को अज्ञात हमलावरों ने पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर पे गोलियां दागी। घटना ये बताई जा रही है कि पूर्व पालिका अध्यक्ष किसी निजी कार्यक्रम में गए हुए थे। निजी कार्यक्रम के दौरान उनको किसी अज्ञात लोगों ने पीछे की साइड बुलाया, पीछे की साइड बुलाकर उनपे गोलियां दागी गई। अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका है कि हमलावर पैदल आए थे या फिर बाइक से आए थे या फिर किससे आए थे। बहरहाल अभी हमलावर उनपे गोलियां दागने के बाद फरार है। ज्योति एमके, क्या पूर्व पालिका अध्यक्ष अभी अस्पताल में भर्ती है और क्या उनकी स्थिति है अभी? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, अभी पालिका अध्यक्ष गंभीर, जो ये घटना घटित हुई, जो ये फायरिंग हुई भवानी मंडी के अंदर, उसके चलते गंभीर घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय झालावाड़ ले जाया गया, जहां से उनको कोटा रेफर कर दिया गया। कोटा में अभी सूत्रों की माने तो उनकी हालत खतरे से बाहर है। ज्योति जी, एमके शर्मा, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।